दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बीज़ पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रॉड के कहने पर गुल्ली और सोने की स्पेशल गन लेने के लिए रॉड की वैन के पास आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बीज़ को देखते ही गुल्ली और सोने कार के पीछे आकर छिप जाते हैं, लेकिन सोन को कार के पीछे छिपते हुए एक दो ज़ॉम्बीज़ देख लेता है और थोड़ी देर में सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। काफी देर खड़े रहने के बाद एक ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लग जाता है। ये देखते ही गुल्ली ये कहते हुए दौड़ लगा देता है कि सोन, मैं ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता हूँ, तुम जाकर रॉड की वैन से गन लेकर आओ। गुल्ली इतना कहकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी गुल्ली के पीछे पड़ जाता है। गुल्ली तो अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, पता नहीं आखिर वो अब क्या करेगा। और फिर तभी सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली के पीछे जा रहे ज़ॉम्बी के पीछे जाने लग जाते हैं। लगता है अब गुल्ली का बचना नामुमकिन है, ये सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना देंगे। इधर सोन अभी इधर उधर देखने में लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोन के अगल बगल में कोई ज़ॉम्बी मौजूद है। लेकिन काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी सोन को एक भी ज़ॉम्बी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। तभी सोन ये सोचता है कि यही सही मौका है रॉड की वैन से गन लाने का। ये सोचते ही सोन दौड़ते हुए रॉड की वैन की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते सोन अपने मन में ये भी सोच रहा है कि पता नहीं गुल्ली के साथ क्या हुआ होगा, उसके पीछे तो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ गए थे। ये सोचते सोचते सोन वैन के पास पहुंचता है और वैन का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही सोन वैन के अंदर चला जाता है। वैन के अंदर आने के बाद सोन इधर उधर देखता है, लेकिन सोन को कहीं पर भी गन नहीं दिख रहा है। और फिर तभी सोन को रॉड की वैन में रखा हुआ एक गन दिखाई देता है, जो कि काफी अजीब दिखाई दे रहा था। सोन इस गन को देखते ही समझ जाता है कि यही है वो स्पेशल गन जिसके बारे में रॉड कह रहा था। और इधर गुल्ली दौड़ते दौड़ते उस गली के काफी अंदर आ जाता है। और फिर तभी अचानक से गुल्ली दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ ये देख नहीं पाते कि आखिर गुल्ली किधर गया है। और फिर जब सारे ज़ॉम्बीज़ को गुल्ली नहीं दिखाई देता है तो ज़ॉम्बीज़ को ऐसा लगता है कि यहाँ पर गुल्ली है ही नहीं, और ये लोग वापस चले जाते हैं। और इधर गुल्ली दीवार के पीछे छिपकर सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से जाता हुआ देख लेता है। और फिर तभी गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह में आ गया है। इधर उधर देखने पर गुल्ली को पता चलता है कि ये तो कोई हॉल है। तभी गुल्ली को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिख जाता है। और इधर दूसरी तरफ रॉड ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवाई बनाने में लगा हुआ है। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, अभी तक गुल्ली और सोन वो स्पेशल गन लेकर आए क्यों नहीं, मैंने तो दवाई भी बना ली ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की। ये बात सुनते ही गुल्ली रॉड से कहता है, हाँ हाँ रॉड, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि आखिर अभी तक गुल्ली और सोन आए क्यों नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ गुल्ली, हो सकता है कि गुल्ली और सोन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके होंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग किसी मुसीबत में ना फंसे हों और वो लोग मेरी वैन के पास पहुंच भी गए हों और उन लोगों को वो स्पेशल गन भी मिल गया होगा। बस गुल्ली और सोन वो स्पेशल गन लेकर आते ही होंगे, हम लोगों को थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन तुम टेंशन मत लो गुल्ली, गुल्ली और सोन बहुत बहादुर हैं, अगर वो लोग किसी मुसीबत में भी फंसे हुए होंगे तो वो लोग उस मुसीबत को दूर करके यहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं रॉड, ऐसी बात नहीं है, अगर गुल्ली और सोन को यहाँ आना ही होता तो वो लोग अब तक यहाँ पर आ जाते, मुझे लग रहा है कि हम लोगों को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर गुल्ली और सोन कौन सी मुसीबत में फंसे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ जाने में देर कर दें, इसलिए हम लोगों को वहाँ जल्दी जाना होगा। रॉड कहता है, ठीक है गुल्ली, तो फिर मैं सीधे ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवाई वहाँ लेकर ही चलता हूँ। इतना कहकर रॉड वो दवाई अपने हाथ में उठा लेता है। इधर गुल्ली ये सोचते सोचते इस हॉल से बाहर निकल रहा है कि आखिर अभी सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ गए होंगे। और गुल्ली ये भी सोच रहा है कि अभी तक सोन ने रॉड की वैन से वो स्पेशल गन निकाली होगी या नहीं। ये सोचते सोचते जैसे ही गुल्ली ऊपर आकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सोन तो रॉड के वैन के ऊपर खड़ा है। ये देखकर गुल्ली को समझ नहीं आता है कि आखिर सोन रॉड की वैन के ऊपर क्या कर रहा है। लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता कि सोन के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके हैं, जो कि रॉड के वैन के नीचे खड़े हैं, और ये सारे ज़ॉम्बीज़ सोन के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। तभी गुल्ली सोन से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे सोन, तुम रॉड की वैन के ऊपर क्यों खड़े हो और तुम्हें रॉड की वैन से वो स्पेशल गन मिली या नहीं, कहाँ है वो गन। ये सब बातें सुनते ही सोन तुरंत ही पलट कर गुल्ली को देखता है और फिर सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली, तुम नीचे खड़े क्यों हो, तुम जल्दी से किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। और रही बात गन की, तो गन तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन इसमें एक भी गोली नहीं है। तभी यहाँ खड़े एक ज़ॉम्बी को ऐसा लगता है कि आखिर सोन किससे बात कर रहा है, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई इंसान आया है। ये देखने के लिए जैसे ही ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है तो उसे गुल्ली दिखाई देता है। गुल्ली ज़ॉम्बी को देखते ही काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी गुल्ली के बिल्कुल करीब आने लग जाता है। ये देखते ही गुल्ली काफी डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सीधा फिर से हॉल के अंदर जाने लग जाता है। लेकिन अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी के पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज जा रहे हैं। लेकिन अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी तो सोन के पास ही खड़ा रह गया। तभी सोन को एक जीप की आवाज सुनाई देती है और सोन पीछे पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो रॉड और बुल्ली आया है और इन लोगों ने अपने साथ काफी सारा कील वाला इंजेक्शन लाया है और शायद इसमें ज़ॉम्बीज को ठीक करने की दवाई भी लगी हुई है। तभी सोन के पास खड़ा वो ज़ॉम्बी रॉड और बुल्ली को देख लेता है और उधर जाने लग जाता है। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आता देखकर रॉड और बुल्ली जीप से उतर जाते हैं। तभी इधर सोन गाड़ी से नीचे कूद जाता है और इधर ज़ॉम्बी बुल्ली और रॉड के काफी करीब आ चुका है। तभी रॉड आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी को फ्रीज कर देता है।
और जैसे ही जोम्बी फ्रीज होता है तभी सोन दौड़ते हुए रॉड और बुल्ली के पास आ जाता है। सोन के यहाँ आते ही बुल्ली सोन से कहता है, अरे गुल्ली कहाँ है सोन, वो तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुल्ली किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, और आखिर तुम रॉड की वैन के ऊपर क्या कर रहे थे। अरे बुल्ली मैं तो जोम्बी से बचने के लिए रॉड की वैन के ऊपर चढ़ गया था, जोम्बीज रॉड की वैन के ऊपर नहीं आ पा रहे थे इसलिए मैं काफी देर से बचा हुआ था। और रही बात गुल्ली की तो गुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसके पीछे काफी सारे जोम्बीज पड़े हुए हैं और अभी गुल्ली भागते हुए हॉल की तरफ गया है। बस अब थोड़ी देर में गुल्ली हॉल की दूसरी गली की तरफ से बाहर आ जाएगा और उसके पीछे काफी सारे जोम्बीज भी बाहर आएंगे। हमें कुछ भी करके गुल्ली को जोम्बीज से बचाना होगा। ये बात सुनते ही रॉड सोन से कहता है, तुम चिंता मत करो सोन, मैं गुल्ली को बचा लूंगा, बस तुम और गुल्ली जल्दी से जीप में बैठ जाओ। ये कहते ही थोड़ी देर में सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं। तभी रॉड कहता है, अरे सोन थोड़ा ध्यान से बैठना, कहीं वो कील वाला इंजेक्शन तुम्हारे पीछे ना घुस जाए। सोन कहता है, हाँ हाँ रॉड मैं तो अच्छे से ही बैठा हूँ, तुम बस अपना काम पे ध्यान दो, जीप चलाओ चुपचाप। सोन की बातें सुनने के बाद रॉड बिल्कुल चुपचाप जीप को चलाने लग जाता है और फिर थोड़ी देर में रॉड जीप को हॉल वाली गली के सामने ले आता है। तभी ये लोग देखते हैं कि गुल्ली तुरंत ही दौड़ते हुए गली से बाहर आकर कहता है, रॉड तुमने ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवाई बनाई या नहीं। हाँ हाँ गुल्ली मैंने ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की दवाई बना ली है, बस तुम जल्दी से आकर जीप में बैठ जाओ। ये बात सुनते ही गुल्ली जीप में बैठने के लिए जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली को बैठने की जगह नहीं मिली इसलिए वो चार इंजेक्शन अपने हाथ में रख लेता है। तभी रॉड कहता है, अरे सोन मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, जैसे ही तुम्हें कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई देगा तो तुम गन के अंदर ये कील वाला इंजेक्शन लगाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर शूट कर देना। और एक बात याद रखना कि इंजेक्शन लगते ही अगर ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दवाई बिल्कुल सही बनी है, और अगर कोई भी ज़ॉम्बी बेहोश नहीं होता है तो उसका मतलब ये होगा कि ये दवाई किसी काम का नहीं है, इस दवाई में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। रॉड जैसे ही इतना कहता है तभी इन लोगों को हॉल वाली गली से ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है। गली से आते ही ज़ॉम्बी रुक जाते हैं। ज़ॉम्बी को देखते ही सोन तुरंत ही ज़ॉम्बी पे शूट कर देता है और ज़ॉम्बी तुरंत ही गिरकर बेहोश हो जाता है, इसका मतलब दवाई बिल्कुल सही बनी है। तभी सोन दूसरे ज़ॉम्बी के ऊपर भी गन से शूट कर देता है जो कि उस बेहोश ज़ॉम्बी के पास खड़ा था। लेकिन सोन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बाकी के सारे ज़ॉम्बी है कहाँ, यहाँ तो सिर्फ दो ही ज़ॉम्बी है। तभी ये लोग देखते हैं कि बाकी के ज़ॉम्बी हॉल वाली दूसरी गली की तरफ से बाहर आ रहे हैं। ज़ॉम्बी को देखते ही सोन तुरंत ही गन को रिलोड करता है। तभी गुल्ली अपने हाथ में रखे हुए इंजेक्शन को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और इंजेक्शन सीधा जाकर दो ज़ॉम्बी को लग जाता है और दोनों ज़ॉम्बी बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली ने तो फेंक कर ही दो ज़ॉम्बी को बेहोश कर दिया लेकिन अभी भी एक ज़ॉम्बी बचा हुआ है। तभी सोन उस ज़ॉम्बी के ऊपर भी शूट कर देता है और इंजेक्शन लगते ही वो ज़ॉम्बी भी बेहोश हो जाता है। और अभी इस रास्ते के सारे ज़ॉम्बी को इंजेक्शन लग चुका है लेकिन अभी भी इस शहर में काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। तभी रॉड कहता है, अरे वाह गुल्ली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग इंजेक्शन फेंक कर ही ज़ॉम्बी को मार सकते हैं, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि मैंने जो दवाई बनाई है वो बिल्कुल सही बनी है क्योंकि ये सारे ज़ॉम्बी बेहोश हो गए और अब एक घंटे के लगभग में ये सारे ज़ॉम्बीज ठीक हो जाएंगे। चलो अब मैं ज़ॉम्बीज को ठीक करने की दवाई लेकर पुलिस के पास जाता हूँ और पुलिस वाले को ये दवाई देता हूँ ताकि पुलिस वाले इस दवाई को ज्यादा बनवा कर शहर के सारे ज़ॉम्बीज को ठीक कर पाए। चलो तो अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं अपने वैन से ही पुलिस के पास जाता हूँ। दरअसल उस टाइम मेरा वैन का इंजन काफी ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए मेरा वैन चल नहीं रहा था, लेकिन अब शायद वैन का इंजन बिल्कुल ठंडा हो गया होगा इसलिए मेरी गाड़ी चालू हो जाएगी, मैं चलता हूँ। और अगर रास्ते में तुम लोगों को कोई ज़ॉम्बी दिखे तो तुम लोग उसे ठीक करने के लिए दो इंजेक्शन भी रख लो। और फिर थोड़ी देर के बाद रॉड पुलिस स्टेशन जाने लग जाता है। रॉड की वैन तो चालू हो गई क्योंकि इंजन ठंडा हो गया है। अब रॉड पुलिस से मिलकर शहर के सारे ज़ॉम्बीज़ को ठीक करवा देगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन घर जा रहे हैं, इन लोगों ने अपने साथ दो इंजेक्शन भी रखा है ताकि रास्ते में अगर इन लोगों को कोई ज़ॉम्बी दिखे तो ये लोग उसे ठीक कर पाए। और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और सोन ने ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने के लिए रॉड की मदद दवाई बनाने में की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।